जिसे भारत में गोभर्तिया प्यारी है, उस राजनेता पर राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो गति गायों की ओर दे रहा है वो गति गिरनी चाहिए। मेरा यह अनुरोध है, और अगर ऐसा नहीं होता है, अब भारत को भक्तों का होगा, गंगा के भक्तों का होगा, आर्यों का होगा, सैद्धांतिक परंपरा से ही भारत की रचना होगी। हर हर महादेव। आज श्री जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, किसके कारण? मूर्ति भंडकों के शासन काल में जगन्नाथ जी का दर्शन सुलभ नहीं था। भगवत का शंकराचार्य महाभाग ने 2500 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन अपने चिन्मय कर कर्णों से जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित किया। बद्री वन में बद्रीनाथ का दर्शन सुलभ नहीं था, इन्होंने अपने चिन्मय कर कर्णों से बद्रीनाथ को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारका में द्वारकाधीश का दर्शन सुलभ नहीं था, भारत को बृहद भारत का रूप इन्होंने दिया। भारत को सुरक्षित, मठ मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, और बौद्धिक धरातल पर उन्होंने जो दर्शन दिया, वेदों का भाष्य दिया, पुस्तकों का भाष्य दिया, प्रकरण ग्रंथ दिया, उस पर पूरा विश्व वैज्ञानिक से वैज्ञानिक भी लट्टू है। सज्जनों, जिस प्रांत में उन्होंने जन्म लिया, उस प्रांत के दीवाने एक राजनीतिक दल के वो दंड युवक घोषणा पूर्वक सबके सामने गायों को काटते हैं। हम कैसे समझेंगे कि भारत स्वतंत्र है? कोई भी अवस्था राजनीतिक दल हो जिसे भारत में गोभर्तिया प्यारी है, उस राजनेता पर राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जीवन भर चुनाव लड़ने का ही नहीं, भारत में रहने का उसे अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अत्याचार कम सा ही करते हैं, वो भक्तों को गुंडा कहा जाता है, वो हत्यारों को भक्त कहा जाता है। उसे भारत की नागरिकता से मैं तो कहता हूं वंचित करता हूं। वो भारत का नागरिक नहीं, राष्ट्रद्रोही ही है, भारत को रहने का अधिकार ही नहीं। अब हम दूसरी युद्ध को जन्म देंगे शांति पूर्वक मानवाधिकार की सीमा में, जहां गो भक्तों की विजय होगी, गो वंश की रक्षा होगी, गंगा की हमारे प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा होगी। भारत स्वतंत्र रहेगा, भारत की शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं है, भारत की रक्षा प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, भारत के कृषि गोरक्ष वाणिज्य के प्रकार हमारी अपनी नहीं है, भारत के सेवा के प्रकार हमारी अपनी नहीं है, भारत के उद्योग के प्रकार हमारी अपने नहीं है। अब तो अनाज के बीज हमारे अपने नहीं है, और धीरे धीरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतरों के बीज भी अब अपने रहने वाले नहीं है। इससे घोर दास्ता परतंत्र क्या हो सकती है? आप सोचिए कि शंकराचार्य कौन है? हम वो हैं, समझ गए? एक समय हमने नारद के रूप में व्यासपीठ से हिरण्यकश्यप को रसातल में पहुंचाने के लिए उसी के बेटे कैलाश को खड़ा किया। हमारी वो परंपरा, एक समय हमने भृगु के रूप में बेन के आतंकपूर्ण शासन को छीन करके पृथ्वी को राजा बनाया था। हम वो हैं, वशिष्ठ के रूप में हमने अत्याचार को दूर करने के लिए रावण को शासन में पहुंचाने के लिए भगवान राम को प्रकट किया था। हम वो हैं, धौम ऋषि के रूप में इसी प्रकार से मैत्रेय ऋषि के रूप में भगवान वेदव्यास के रूप में हमने श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को प्रकट करके कंस और दुर्योधन इत्यादि गुमानियों के शासन कंस को रसातल में पहुंचाया था। हम वो हैं, गुमान्य भट्ट के रूप में भगवान शंकराचार्य के रूप में आतंक पूर्ण बौद्धों के शासन को रसातल में पहुंचाया था। हम वो हैं कि चाणक्य के रूप में हमने इसको चंद्रगुप्त को आगे करके उच्छेद किया था, जो अभिमानियों के शासन तंत्र को। हम वो हैं जो समर्थ रामदास के रूप में शिववाद्य को आगे करके हमने आतंकवादियों के शासन तंत्र को चुनौती दी थी। आज भी व्यासपीठ में वह सामर्थ्य है, बल है। फिर मैं घोषणा करता हूँ, जिनको वो हत्या प्यारी है, किसी प्रांत के मुख्यमंत्री हो या भारत का कोई प्रधानमंत्री रहा हो या हो, मैं नहीं जानता,
अगर कोई को हत्या का गुप्त या समर्थक है, भारत को खाली करे, भारत की नागरिकता उसको नहीं मिलनी चाहिए। उसको जो गति गायों की ओर दे रहा है वो गति मिलनी चाहिए। मेरा यह अनुरोध है, और अगर ऐसा नहीं होता है, अब भारत को भक्तों का होगा, गंगा के भक्तों का होगा, आर्यों का होगा, सैद्धांतिक परतंत्रता से भी भारत की रचना होगी। हर हर महादेव।